मध्य प्रदेश का ये साल चुनावी साल है, ऐसे में हर तरफ में मांगे मंगवाने के लिए धरना प्रदर्शन का दौर जारी है। ग्वालियर में भी आउटसोर्स कर्मचारियों ने नगर निगम बैठक के दौरान महापौर कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यहां कुछ कर्मचारी महापौर और निगम आयुक्त की गाड़ी के आगे लेट गए। निगम के आउटसोर्स कर्मचारी ठेका प्रथा को समाप्त करना चाहते थे, साथ ही निगम में दैनिक भोगी दर्जा चाहते थे। हालांकि निगम की साधारण सभा की बैठक में दो बड़े फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें अब निगम के कर्मचारियों को छठवां और सातवां वेतनमान मिलेगा, साथ ही निगम के कर्मचारियों के वारिस को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। वहीं ठेका प्रथा को समाप्त करने के मामले में महापौर शोभा सिकरवार ने आश्वासन दिया है। निगम परिषद ने जो है, हमारे सभी जो है अभिभावक है 66 पार्षद, और जो है उन्होंने मिलकर जो है कर्मचारी हित में जो है आज निर्णय लिया है, और परिषद की शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्होंने जो है सभी कर्मचारियों को छठवें और सातवें वेतनमान का जो है लाभ दिया है। साथ ही उन्होंने विशेष कार्य जो इसमें किया है कि अभी जो आदेश करते हैं उसका फिर वो पुष्टि होने फिर अगली एजेंडे में आता, लेकिन माननीय सभापति जी ने और सभी पार्षदों ने मिलकर ये प्रस्ताव रखा सभापति जी के समक्ष कि आज ही इस एजेंडे को जो है यहाँ से परिषद से पास किया जाए। साथ में एक आउटसोर्स हमारे सफाई मित्र, उनका भी एक बिंदु था जो कि कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियाँ थीं और किसी को अधिकार नहीं थे, उसके बाद भी स्वीकृति देते रहे। जब वो ज़्यादा व्यवधान आ गया तो आज उसको परिषद में एजेंडे के माध्यम से भेजा गया, जिसमें आपने खुद देखा कि मैंने उसमें अपनी बात भी रखी। देखिए, परिषद ने इसके मामले में निर्णय लिया है विनियमित के मामले में, अब जैसे ही हमारे पर प्रस्ताव पारित होगा उसमें फिर आगे बढ़ेगा। हाँ, वो परिषद का निर्णय हुआ संधि से, और वो जैसे ही आएगा उसके